Now let us move to the reading and listening comprehension. Student, take out your SR 2. Raj's visit to the golden temple. Today we are going to read a story. आज हम स्टोरी रीड करेंगे. ओके, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज कोमल रामचंदानी. यू ऑल नो हु आर ऑथर. ऑथर इज वन हु राइट द स्टोरी. ऑथर वो होते हैं जो स्टोरी को लिखते हैं. इलस्ट्रेटर पिक द पेना. तो इलस्ट्रेटर कौन होते हैं? जो ड्राइंग्स करते हैं बुक्स में, स्टोरीज में ड्राइंग्स जो बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, उनको हम बोलेंगे इलस्ट्रेटर. तो इसकी इस स्टोरी की इमेजेस किसने बनाई है? किर्क द पेना ने. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. राज कुड नॉट कीप हिज ग्रीनिश ब्लू आईज ओपन. राज अपनी जो ग्रीनिश आईज ओपन नहीं कर पा रहा था. नाउ स्टूडेंट, वन मोर थिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, यू ऑल हैव टू टेल मी व्हाट ऑल कैरेक्टर्स आर इन दिस स्टोरी एंड वेयर इट इज and what all setting are they. Okay, Raj could not keep his greenish blue eyes open. Now tell me which character is here. Kaun sa character hoga? Yes, in this the character is Raj. His long nose had become cold. Uski jo long nose hai wo cold ho gayi, matlab thandi ho gayi. His brown hair uncombed. Uski jo brown hair hai wo uncombed hai, matlab बाल में बाल नहीं बना रखे. ही वॉन्टेड अ वॉर्म ब्लैंकेट सो ही कुड गो बैक टू स्लीप. उसको एक वॉर्म ब्लैंकेट चाहिए जिससे कि वो सोने चला जाए. ही वॉज ग्रम्पी. ही हैड बीन मेड टू वेक अप एट अ 5 इन द मॉर्निंग. और उसको सुबह 5 o'clock पे उठा दिया गया. राज एंड हिज फैमिली वर ऑल गोइंग टू अमृतसर. क्यों उठाया? क्योंकि राज और उसकी फैमिली अमृतसर जा रही है. दे वर गोइंग टू विजिट द गोल्डन टेम्पल. वो कहाँ विजिट कर रहे हैं? गोल्डन टेम्पल में. तो अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल. दे रीच द गोल्डन टेम्पल. द ग्लीमिंग वॉक वे मेड राज जंप विद ग्ली. तो जब हम वो गोल्डन टेम्पल में गए तो वहां पर राज जंप कर रहा है. The walkway around the sarovar is called the parikrama. तो वहां पर जहाँ पे वो वॉक कर रहे हैं, वहां पे एक सरोवर है, उसको वो क्या बोलते हैं? परिक्रमा. The water in the sarovar looked cool. जो सरोवर में वॉटर है वो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है. राज वॉज नाउ फुल्ली अवेक एंड एक्साइटेड. अब राज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. द मेन टेम्पल इज इन द सेंटर ऑफ द सरोवर. जो मेन टेम्पल है वो सरोवर के सेंटर में, मतलब बीच में है. इट्स गोल्डन डोम ग्लीम्ड इन द सनलाइट. और जो उसकी गोल्डन डोम है, जहाँ पे वो रास्ता है जाने का, गेट है, वो सनलाइट में बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है. इन द टेम्पल दे ऑल हैड लंगर टूगेदर. और टेम्पल में उन सब ने एक साथ लंगर खाया. लंगर इज अ सिंपल मील सर्व टू एवरीवन हु विजिट्स. और लंगर क्या होता है? जो सबको सर्व करा जाता है जो भी वहां पर जाता है. सिंपल खाना होता है. ओके, राज एंजॉयड हिज ट्रिप. राज को अपनी ट्रिप में बहुत एंजॉय आया. आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी. ग्रेट. नाउ इन दिस द वोकैबुलरी वर्ड्स आर ग्रम्पी. ग्रम्पी मीन्स बैड मूड, मतलब जब मूड बहुत खराब होता है. आपको जब कोई उठा देता है आपका भी मूड ऑफ हो जाता है ना, ऐसे राज का मूड ऑफ हो गया. Now gleam, gleam means shine. जब कोई चीज एकदम से shine करती है उसको हम क्या बोलेंगे? Gleam. Dome, arc, round roof. Round roof मतलब कोई भी एक round shape में roof है, उसके ऊपर का top जो है वो round shape में है. Walk away, a path for walking along. एक path बनाया जाता है जहां पर हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं walk away. Okay. With this, we end up today's story. Now, your homework is that you have to do worksheet 1. आपको क्या करना है? Worksheet 1. I will discuss the question first. Then you will write the answers. Okay. Answer the following questions. Raj had... How did Raj look in the story?
राज कैसा दिख रहा था स्टोरी में, फर्स्ट लाइन में हमने रीड करा। यस, राज हैड ग्रीनिश ब्लू आईज, अ लॉन्ग नोज एंड ब्राउन हेयर। तो हम यही आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज ही गोइंग विद हिज फैमिली, कहाँ जा रहा था वो। यस, राज वॉज गोइंग टू द गोल्डन टेम्पल विद हिज फैमिली। थर्ड, डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। अब हम मैंने बोला था आप सब जिस बताएंगे सेटिंग कहाँ पर है स्टोरी की। यस, देयर वॉज अ ग्लीमिंग वॉक वे अराउंड द सरोवर विच वॉज फिल्ड विद वॉटर। देयर वॉज ए गोल्डन टेम्पल विद अ गोल्डन डोम इन द सेंटर ऑफ द सरोवर। तो सेटिंग कहाँ पर है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास। Why was Raj grumpy? Raj grumpy क्यों था? Raj was grumpy because he had to wake up at 5 a.m. in the morning. क्योंकि उसे 5 बजे उठना पड़ा, इसलिए वो grumpy हो गया। Okay, with this we end up reading.